आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के क्वेश्चन मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटलेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400। इस क्वेश्चन में हमें एक सिलेंडर दिया गया है और एक स्मॉल ब्लॉक दिया गया जिनके मासेस हमें गिवन, और ये दोनों को हमने एक स्ट्रिंग के दो एंड्स पे बांध रखा है और वो स्ट्रिंग को हम एक पुली पे रख रहे हैं, ठीक है। अब हमें इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ मासेस ऑफ दिस ब्लॉक और ग्रेविटी, ठीक है। मासेस क्या है, कैपिटल एम और स्मॉल एम। तो इस केस में अगर आप सिलेंडर को देखोगे तो उसके पास एफ बी डी में टेंशन इधर लग रहा होगा, फ्रिक्शन सपोज इधर लग रहा है, एम जी नीचे लग रहा होगा और नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा। नॉर्मल और एम जी एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे और इसके लिए आप क्या लिखोगे, टी प्लस एफ इज इक्वल टू एम ए, ये पहला इक्वेशन। और चूँकि ये रोटेट भी कर रहा होगा साथ में तो आप क्या लिखोगे, टी माइनस एफ इन टू आर टॉर्क इक्वेशन आई अल्फा। आई क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेंडर है सॉलिड सिलेंडर, तो एम आर स्क्वायर बाई टू अल्फा। इसका मतलब है टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम बाई टू आर अल्फा, और चूंकि यहाँ ये रोल कर रहा है स्लिप नहीं कर रहा है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर होगा। तो यहाँ पे हम वो पुट कर देते तो हमारे पास क्या आ गया, टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम बाई टू ए, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब तीसरे इक्वेशन के लिए हम ब्लॉक को देखेंगे, तो ये हमारा ब्लॉक है, इस पे ऊपर टेंशन लग रहा है, इधर स्मॉल एम जी लग रहा है, तो नीचे की ओर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू एम। एक्सेलरेशन सपोज इसका ए डैश है, ठीक है। अब आप देखोगे कि थ्रेड जितना दूर इधर जा रहा है उतना दूर उसको इधर भी जाना होगा, क्योंकि ये एक्सटेंसिबल थ्रेड नहीं है। तो यानी इस थ्रेड के इस पॉइंट की जो एक्सेलरेशन होगी वही एक्सेलरेशन इस पॉइंट की होगी, ठीक है। तो इस पॉइंट का तो हमने खैर ए डैश अभी माना है, और इस पॉइंट का हम निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, उसको ए डैश बोल रहे थे, तो उस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इस पॉइंट ऑफ कंटैक्ट का एक्सेलरेशन, और वो क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक है, ये एक्सेलरेशन उसका ए था और ये ऐसे रोटेट कर रहा है अल्फा से एंगुलर एक्सेलरेशन से, तो इस पॉइंट का एंगुलर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस अल्फा आर, ठीक है। तो ए प्लस अल्फा आर ये हमारा चौथा इक्वेशन हो गया, ठीक है। और अल्फा आर है तो ये क्या हो गया, टू ए, ठीक है, क्योंकि अल्फा आर ए के बराबर है प्योर रोलिंग में। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम जी माइनस टी इज इक्वल टू टू एम ए, ये हमारे पास फाइनली सिक्स्थ इक्वेशन है। तो फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करें, फर्स्ट इक्वेशन हमारा था टी प्लस एफ वाला, उसको और टी माइनस एफ को ऐड करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टू टी इज इक्वल टू थ्री कैपिटल एम बाई टू ए, यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, थ्री एम बाई फोर ए, इसको इसमें हम पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, स्मॉल एम जी माइनस टी की वैल्यू थ्री एम बाई फोर ए इज इक्वल टू टू एम ए। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, एम जी इज इक्वल टू ए टू एम प्लस थ्री एम बाई फोर, ये क्या आ जाएगा, फोर एम जी इज इक्वल टू ए एट एम प्लस थ्री कैपिटल एम। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई ब्लॉक की, स्मॉल फोर एम जी एट एम प्लस थ्री एम, ये एक्चुअली एक्सेलरेशन जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिलेंडर की वाला, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन हमने देखा था वो क्या है, ए डैश है, और वो किसके बराबर है, टू ए के बराबर है। तो इसको हम टू ए से टू से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा ए डैश आ जाएगा, वो कितना होगा फिर, एट एम जी बाई एट एम प्लस थ्री एम। तो ये हमारा हो गया आंसर।